हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे अपराजिता के प्लांट पे और जानेंगे इनके केयर के बारे में और इनके प्रोपगेशन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो ये जो मेरा अपराजिता का प्लांट देख रहे हैं आप, इसे मैंने एक प्लांट के ज़रिए लगाया था। मतलब एक प्लांट मैं नर्सरी से लेकर आई थी और मैंने इसे ग्रो कर लिया था। फिर उसमें फ्लावर आते हैं अपने आप, और जब हम इन पर फ्लावर छोड़ देते हैं तो फिर उसमें अपने आप वो सीड में कन्वर्ट होने लगती हैं कुछ इस तरीके से। क्योंकि मैं तो ज़्यादा सीड्स वगैरह रखती नहीं हूँ, मैं सीड्स हटा देती हूँ सभी, क्योंकि अगर हम सीड्स बनाने के चक्कर में पड़ेंगे तो फिर इसमें फ्लावरिंग कम होगी। ऐसे तो हमारे अपराजिता में रोज़ डेली फ्लावरिंग होती है अच्छे से, और मैं उन्हें पूजा पाठ करने के लिए यूज कर लेती हूँ, तोड़ लेती हूँ, भगवान जी को चढ़ा देती हूँ, इस वजह से कि मैं सीड्स ज़्यादा कलेक्ट नहीं करती। और हाँ, एक आध दो बार मैंने सीड कलेक्ट किए थे, इसमें जो भी बनते हैं मैं हटाती रहती हूँ, तो शायद इस समय नहीं दिख रहा है मुझे। और नहीं, देखिए ये दिख गया एक, ये है इस तरीके से, ये कुछ सीड्स बनते हैं इनमें। जब फ्लावर सूखने लगते हैं तो इसमें सीड्स बन जाते हैं, तो इसे आप सीड्स के ज़रिए भी ग्रो कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा प्लांट एक सीड, मतलब एक सीड पॉट में कम से कम आपके 5-6 प्लांट ग्रो हो जाएंगे। और इन्हें कटिंग से भी लगाने का बहुत ही आसान सा तरीका है। बरसात के मौसम में आप इसे कटिंग से बहुत ही ईजिली ग्रो कर सकते हैं, और मैंने इसे कटिंग से भी लगाया है। मेरे पास एक नहीं और भी अपराजिता के प्लांट है, और मैंने इसकी कटिंग्स भी लगाई हैं और वो कटिंग भी बहुत अच्छे से लग गई हैं। और बरसात के मौसम में ये बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करता है। तो प्रोपेगेशन की बात तो ये है कि आप इसे सीड से प्रोपेगेट कर सकते हैं, कटिंग से भी कर सकते हैं बहुत ही ईजली। ये ज़रा सा एक डंडी लेकर खोस देंगे कहीं भी तो ये अपने आप ग्रो हो जाएगा। कुछ दिन बाद ये एक अच्छा खासा प्लांट बन जाएगा। तो ये हो गई प्रोपगेशन की बात। अब हम बात करेंगे कि इनकी केयर के बारे में। तो इनको बस वाटरिंग दीजिए अच्छे से, इनकी मिट्टी को मॉइस्ट रखिए, जो इसकी सॉइल होती है, जैसे हम और भी सभी फ्लावरिंग प्लांट की सॉइल बनाते हैं, बस वही वैसे ही सॉइल इनकी भी रखते हैं। कोई ज़्यादा खाद वगैरह नहीं डालते हैं, कुछ ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं है, बस हाँ वाटरिंग मिट्टी को मॉइस्ट रखना पड़ता है थोड़ा, और ओवर वाटरिंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो ओवर वाटरिंग से कोई भी प्लांट हो वो ख़राब होने लगते हैं। और अगर ये जैसे पानी अगर कम भी देंगे तो ये प्लांट सूखने लगता है, इसकी पत्तियाँ पीली होने लगती हैं, तो थोड़ा सा हमें उसका भी ध्यान देना चाहिए। और जितनी भी इसमें येलो लीव्स आते हैं उन्हें हमें समय समय पर हटा देना चाहिए, तो क्या होगा कि हमारा प्लांट एकदम हेल्दी रहेगा। और ये आप देख रहे हैं मैंने एक छोटे से बास्केट में लगाया है और ये काफ़ी घना हो चुका है। मैं इसकी प्रूनिंग भी करती रहती हूँ, समय समय पर इसकी ट्रिमिंग करती रहती हूँ, और इससे बहुत ज़्यादा मुझे फ्लावर मिलते हैं। और मैं कभी इसमें फ्लावर खिलेंगे तो सुबह आपको दिखाऊँगी ज़रूर। अभी तो फ़िलहाल शाम का टाइम है और इसके सारे फ्लावर मैंने तोड़ लिए थे सुबह ही। तो चलते हैं फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।